बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि कुकीज़ क्या हैं और वो किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं हमारे वेब ब्राउज़र के साथ और वेब सर्वर और वेब यूज़र के दरमियान। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुकीज़ किस तरह से क्रिएट की जाती हैं और किस तरह से कुकीज़ की मदद से डाटा को रिट्रीव किया जा सकता है। व्यूअर्स, कुकी को क्रिएट करने के लिए हमें जो कमांड यूज़ करनी होती है वो होती है सेट कुकी की, और उसका जो सिंटैक्स है वो कुछ ऐसे है। आप सेट कुकी की कमांड देते हैं और फिर पैरेंथेसिस में आपको बेसिकली कुकी के लिए तीन वैल्यूज जो है वो सेट करना होती हैं। सबसे पहली वैल्यू आप कुकी का नेम डिक्लेयर करते हैं, दूसरी चीज़ आप कुकी को जो वैल्यू देना चाहते हैं वो वैल्यू स्ट्रिंग में भी हो सकती है, वो वैल्यू वेरिएबल में भी हो सकते हैं, आप वो वैल्यू असाइन करते हैं उसे, और तीसरी होती है कुकी की एक्सपायरी डेट। व्यूअर्स, डेफिनेटली कुकी जो कि किसी वेब यूज़र के हार्ड ड्राइव में मौजूद होती है वो कोई इन्फिनिट लाइफ नहीं रखती, उसकी कुछ लाइफ होती है। तो आपने ये डिसाइड करना था कि ये कुकी उस वेब यूज़र के वेब ब्राउज़र में, उस वेब यूज़र के हार्ड ड्राइव में कितने अरसे तक जो है वो पड़ी रहेगी, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगी। आपको एक्सपायरी का टाइम भी जो उसका डिक्लेयर करना होता है। व्यूअर्स, देखते हैं कि किस तरह से हम कुकीज़ क्रिएट करते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त आपको स्क्रीन पर एक न्यू HTML पेज नज़र आ रहा है जहाँ पर मैं एक नया PHP वर्क एरिया जनरेट करूँगा, और उस PHP वर्क एरिया में मैं डेफिनेटली एक कुकी आपको सेट करके दिखाऊंगा। कुकी आप किस तरह सेट करते हैं, तो मैं PHP का सबसे पहले ओपनिंग टैग इंसर्ट करता हूं, और उसके बाद जो हमारी कमांड है सेट कुकी की कमांड, सेट कुकी, और उसके बाद डेफिनेटली पैरेंथेसिस, मुझे छोटी ब्रैकेट जो है स्टार्ट करना है। पहली चीज़ जो है मुझे कुकी का नाम असाइन करना है, तो मैं उसका नाम जो असाइन करूँगा व्यूअर्स, वो मैं उसका नाम असाइन करता हूँ टेस्ट। ये मेरी कुकी का नाम है। उसके बाद मैं एक कॉमा इंसर्ट करता हूँ। कॉमे का मतलब यह है कि आपने कुकी का नाम जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। दूसरी चीज़ है व्यूअर्स, आपको उसकी वैल्यू असाइन करनी है। अगर आपको वैल्यू स्ट्रिंग्स में असाइन करनी है तो डेफिनेटली आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप स्ट्रिंग देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको, जैसे आपने नाम के साथ कॉमा इस्तेमाल किए हैं, टेस्ट हमारी कुकी का नाम है, उसी तरह आपको स्ट्रिंग के साथ भी कॉमा इस्तेमाल करने होंगे। लेकिन अगर आप एक न्यूमेरिक वैल्यू देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू 45 रखना चाहता हूं, तो उस सूरत में आप जस्ट नंबर एंटर कर देंगे और उसके बाद कॉमा इंसर्ट करेंगे। और व्यूअर्स, तीसरी चीज़ है हमारी कुकी की लाइफ एक्सपायरी। तो उसके लिए बेसिकली हमें कमांड यूज़ करते हैं टाइम की कमांड। व्यूअर्स, जब आप ये कमांड देते हैं टाइम और उसके बाद छोटी ब्रैकेट्स को स्टार्ट करके क्लोज कर देते हैं, तो बेसिकली आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी कुकी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो डिक्लेयर हो गई है, कि आपकी कुकी किस वक्त जो है उसका जन्म हुआ है, वो किस वक्त जो है क्रिएट होगी। अब आपको बेसिकली इसकी एंड लाइफ डिक्लेयर करनी है। आपको ये बताना है कि आपकी ये कुकी बेसिकली जब वेब यूज़र आपके इस वेब पेज को विजिट करेगा जिस पे कुकी मौजूद है, तो कुकी उसके कंप्यूटर में उसी टाइम जनरेट हो जाएगी जैसे ही वो पेज को विजिट करेगा। तो वो तो होगी उसकी कुकी की डेट ऑफ बर्थ। अब आपको उसकी एक्सपायरी डेट डिक्लेयर करनी है। आपको ये बताना कि कुकी एक्सपायर कब होगी। तो व्यूअर्स, उसके लिए आपको कुकी की लाइफ सेकेंड्स में जो है वो जनरेट करनी होती है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि आप जो कुकी की लाइफ रखना चाहते हैं, अगर 5 सेकंड्स रखना चाहते हैं, तो आप सिंपली इज इक्वल टू का प्लस का साइन इंसर्ट करके 5 लिख दें, तो आपकी कुकी की लाइफ जो है वो 5 सेकंड्स होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुकी की लाइफ फॉर एग्जांपल एक साल हो, या एक महीना हो, या एक हफ्ता हो, तो भी आपको कुकी की लाइफ को कन्वर्ट करना होगा सेकंड्स के अंदर। और उसका बड़ा अच्छा और आसान सा तरीका है कि आप मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद से कुकी की लाइफ को सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि कुकी की लाइफ एक हफ्ता हो, तो आप जानते हैं कि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और आपके पास एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो मैंने 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके एक घंटे के सेकंड्स बन गए। इसके बाद व्यूअर्स, आप जानते हैं कि आपके पास एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 के साथ, और फिर आप चूंकि 7 दिनों की लाइफ चाहते हैं तो इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। इसके बाद मैं PHP का क्लोजिंग जो है वो टैग इंसर्ट करता हूँ। लीजिए व्यूअर्स, ये जो टाइम स्टैम्प हमने यहाँ पे एंटर की है, बेसिकली इससे हमारी कुकी की लाइफ जो है वो डिटरमिन हो चुकी है, कि जो ही ये फाइल कुकी जो है सेव होगी यूज़र के हार्ड ड्राइव में, सेव होने के ठीक 7 दिन के बाद ही ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। आप इसकी लाइफ मंथ्स में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इवन इन ईयर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, चलाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इसे PHP फाइल के तौर पर सेव करता हूँ। मैंने कंट्रोल एस का बटन प्रेस किया और मैं इसका नाम रखता हूँ cookies.php, और फाइल टाइप में डेफिनेटली मैं
PHP फाइल टाइप को सिलेक्ट करूंगा। मैंने इसे सिलेक्ट किया व्यूअर्स और सेव किया। सेव करने के बाद व्यूअर्स में ब्राउजर में जाके इस कुकी को ब्राउज करता हूँ, इस फाइल को एक्सप्लोर करता हूँ। HTTP लोकल होस्ट स्लैश PHP अंडरस्कोर टेस्ट फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद cookies.php मैंने एंटर किया। और व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास पेज तो ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पर इस वक्त हमें कुछ टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर व्यूअर्स जो मेरे पेज का टाइटल था कुकीज़, वो टाइटल तो आपको यहाँ पे अपीयर हो रहा है, नज़र आ रहा है, लेकिन आपको इस वक्त स्क्रीन पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और व्यूअर्स उसकी वजह साफ जाहिर है कि आपने कहीं पे भी कुकी की वैल्यू को एको नहीं करवाया, लेकिन ये बात फैक्ट है कि आपकी कुकी जनरेट हो चुकी है और आपकी कुकीज़ की फाइल में वो सेव हो चुकी है। अब हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं जिसकी मदद से हम इस कुकी को रीड करेंगे, इसके कॉन्टेंट्स को रीड करेंगे। तो मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की और यहाँ पर मैं वही HTML के जो कोड्स हैं सारे के सारे उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। इसको मैं कॉपी करके इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ cookies_read। बेसिकली ये फाइल हम जो है इस्तेमाल करेंगे कुकीज़ को रीड करने के लिए। और यहाँ पे व्यूअर्स जो हमने सेट कुकीज़ की कमांड रखी है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब ऐसी कमांड्स देनी है जिसकी मदद से मैं अपनी कुकी में मौजूद जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिट्रीव कर सकूँ। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं कोड इंसर्ट करूँगा, एक वेरिएबल सबसे पहले मैं डिक्लेयर करूंगा जिसका नाम कुछ भी मैं रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसका नाम var1 रखता हूँ, var1। और इस वेरिएबल की वैल्यू मैं बेसिकली जो पिक करूंगा वो मैं अपनी कुकी में से पिक करूंगा। इसलिए जैसे हम पहले करते आए हैं अपने गेट मेथड में और पोस्ट मेथड में, हम डॉलर का साइन इंसर्ट करते हैं और फिर वहाँ पे गेट या पोस्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल कैपिटल में कुकी। और कुकी लिखने के बाद बेसिकली कुकी में से हमें जो कुकी में तो बहुत सारी कुकीज़ हो सकती हैं, तो हमें जो खास स्पेसिफाइड कुकी चाहिए उसका हमें नाम मेंशन करना होगा सिंगल कोट्स के अंदर। तो मैं उसका नाम रखता हूँ टेस्ट। तो बेसिकली जब हमने ये कमांड इंसर्ट की व्यूअर्स यहाँ पर और उसके बाद हमने एको करवा दिया वेरिएबल को var1 को, तो हमने बेसिकली एक रिक्वेस्ट सेंड की है अपने वेब ब्राउज़र को। सर्वर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है कि आपके पास जो कुकीज़ पड़ी हैं उन कुकीज़ में से एक टेस्ट नाम की जो का जो वेरिएबल है, बेसिकली जब एक सर्वर की आप वेबसाइट विजिट करते हैं, एक सर्वर के वेब पेजेस विजिट करते हैं, तो उस सर्वर की एक अलहदा कुकी जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब चूँकि हम लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं, ये हमारा लोकल होस्ट सर्वर है, तो लोकल होस्ट के नाम से हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली कुकी जो है वो जनरेट हो चुकी है। इसलिए जब हम लोकल होस्ट से ही रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो हमें ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कौन सी कुकी की जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। डेफिनेटली जिस वेब सर्वर से जो कुकी सेव हुई है वो वेब सर्वर सिर्फ उसी कुकी को एक्सेस कर सकता है। तो हम चूँकि लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं इसलिए हमें जस्ट यहाँ पर हमने मेंशन किया कि हमारी जो कुकी है उनमें एक वैल्यू है टेस्ट, हमें ज़रा उस वैल्यू को एको करवा दीजिए। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ व्यूअर्स और इसको सेव करता हूँ मैं cookies_read.php के नाम से। और फाइल टाइप में डेफिनेटली मैं PHP फाइल टाइप को सिलेक्ट करूंगा और इसे सेव कर देता हूं। और व्यूअर्स उसको सेव करने के बाद मैं इस फाइल का यहां पे जो लिंक है वो चेंज करता हूं कुकीज़ के बाद _read लगा देता हूं और फिर मैं एंटर प्रेस करता हूं। और व्यूअर्स देखिए जो मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास यहां पे वो वैल्यू जो मैंने कुकी को असाइन की थी वो वैल्यू यहां पर डिस्प्ले हो रही है। असल में हुआ क्या, हमने जब ये कमांड दी कि वार वन डिक्लेयर किया और हमने कहा कि आपकी हमारी जो कुकी है इसके लिए व्यूअर्स आपको डॉलर साइन के बाद अंडरस्कोर का साइन लगाना ज़रूरी है। हमने कहा कि जो हमारी कुकी है उसमें से टेस्ट की जो वैल्यू है उसको जो है वो असाइन कर दें वेरिएबल वन को, और उसके बाद जो दूसरी लाइन है हमारी कोड की उसमें हमने उसे एको करवा दिया। तो इसी वजह से व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास ब्राउज़र में अब उस कुकी की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। व्यूअर्स अगर आप चाहें कि आप कुकी को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा व्यूअर्स, उसके लिए आपको दो काम करने होंगे। एक ये कि आप इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो कर दें, एक तो ये तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसकी जो लाइफ है जो पॉजिटिव में है आप व्यूअर्स इसको नेगेटिव में भी कर सकते हैं। मसलन मैं इस कोड को कम्प्लीटली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो हमने सेट कुकी के लिए कोड यूज़ किया मैं इसे कॉपी करता हूँ और कुकीज़ रीड के पेज पर जाके व्यूअर्स मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट यहाँ पे।
और यहाँ पे मैं दो काम करता हूँ, इसकी वैल्यू को भी जीरो कर देता हूँ, आप इनमें से एक काम भी करें तो आपकी कुकी जो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और इसकी लाइफ जो है बेसिकली हमने डिटरमिन की है वो फ्यूचर में डिटरमिन की है, अगले एक हफ्ते तक इसकी लाइफ है। अगर हम इसको माइनस में कर दें तो ये बैक डेट में चले जाएगा, इट मीन्स ऑटोमेटिकली इसकी लाइफ जो है एक्सपायर हो जाएगी। तो इतना करने के बाद व्यूवर्स मैं इसे सेव करता हूँ पेज को, और सेव करने के बाद मैं इस पेज को दोबारा लोड करता हूँ, F5 प्रेस करके रिफ्रेश करता हूँ। देखिए व्यूवर्स, मैंने जब इसे रिफ्रेश किया तो अब भी ये वैल्यू 45 आ रही है। उसकी वजह ये है कि आपने जब इस आपके PHP सर्वर ने इसको रीड करना शुरू किया तो यहाँ पे तो हमने इसको एको करवा दिया। अब जब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने दोबारा इसको रिफ्रेश किया तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई, ये वैल्यू ख़त्म हो गई। उसकी वजह ये थी व्यूवर्स कि हमने जो कोड दिया वो दो सेगमेंट्स में था, दो हिस्सों में था। पहले इस सेगमेंट ने आपकी उस कुकी की वैल्यू को एको करवाया, और फिर जब दूसरा सेगमेंट आपने जब उसको दोबारा रिफ्रेश किया, दोबारा रिफ्रेश करने पे बेसिकली आपकी कुकी डिलीट हो चुकी थी, इसलिए उसकी वैल्यू जो है वो आपको नज़र नहीं आई वेब ब्राउज़र में। तो व्यूवर्स, इस तरह से आप अपनी कुकीज़ की वैल्यू को एको करवा सकते हैं, कुकीज़ की वैल्यू को सेट कर सकते हैं।